हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों ये देखिए सालू को, साल का पहला दिन और चाय के साथ शुरुआत सुबह सुबह। और निश्चल देखो अभी अभी उठा है और आज बहुत ज्यादा खुश है। उठते ही बोल रहा है पापा हैप्पी न्यू ईयर, मम्मी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों इसने दादाजी को भी कॉल किया था, अपने चाचा को भी कॉल किया था और सबको बोल रहा है फोन पे हैप्पी न्यू ईयर, है ना निश्चल? एक बार और बोल दे हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है। हम लोग धूप में आए हुए हैं और बहुत अच्छा धूप निकला है, तो हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, आज छत पे ही हम तीनों बैठे हुए हैं और बिल्कुल न्यू ईयर छत पे ही मना रहे हैं। और दोस्तों हम लोग अब जा रहे हैं क्योंकि बहुत देर हो गया छत पे, कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया। तो निश्चल बोल रहा है पापा बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो चलते हैं। और देखो निश्चल पूरा घूम रहा है और बिल्कुल छत पे बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन इसके आज दोस्त आने वाले थे इसको न्यू ईयर विश करने के लिए, लेकिन इसके दोस्त कोई भी नहीं आया इसको न्यू ईयर विश करने के लिए, है ना निश्चल? भूल गए तेरे फ्रेंड। ये देखिए किचन कितना गंदा हो गया है। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, फिर छत पे गए थे और कितने सारे बर्तन हो गए धोने के लिए, बहुत सारे। ये देखिए दोस्तों सालू अभी बर्तन धो रही है क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे घर में, तो ये बर्तन धो रही है। अभी थोड़ा किचन को साफ करना है इसको, तो बहुत सारा काम अभी रह रहा है घर में क्योंकि हम लोग थोड़ा छत पे चले गए थे। आखिर दोस्तों निश्चल का दोस्त आ ही गया निश्चल को हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए, है ना निश्चल? क्या बात है, दिव्यांश आया है आज निश्चल को विश करने हैप्पी न्यू ईयर। निश्चल बहुत सैड हो रहा था कि पापा मेरे कोई दोस्त नहीं आए हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए, लेकिन आ गया ना दिव्यांश। निश्चल और दिव्यांश जो इसका दोस्त है दोनों लूडो खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है निश्चल को क्योंकि निश्चल बहुत खुश है। ये निश्चल और दिव्यांश बोल रहे हैं कि चलो पार्क में खेलने चलते हैं। निश्चल ही मेरे को बोल रहा है कि मैं पार्क में जाऊंगा पापा खेलने के लिए अपने दोस्त के साथ, है दिव्यांश? पार्क में खेलने जाएगा तू? हाँ। क्या बात है, तेरे को सबसे पसंद क्या चीज लगती है पार्क में? झूला? हाँ। अच्छा लगता है झूला पे झूलना? हाँ। दोस्तों बोल रहा है मेरे को अच्छा लगता है झूला पे झूलना, निश्चल को भी पसंद है झूला पे झूलना, है निश्चल? हाँ। दोपहर का खाना बन रहा है और सालू बना रही है आलू और भुजिया की रोटी, ये निश्चल को बहुत पसंद है। निश्चल ने बोला था कि मम्मी आलू की भुजिया बना दो और रोटी बना दो, क्योंकि अब निश्चल बोला अब मैं पापा पनीर नहीं खाऊंगा, मैंने कल रात में भी खा लिया और सुबह में भी खा लिया ब्रेकफास्ट में, तो अभी प्लीज मेरे लिए आलू की भुजिया बनाओ। तो अभी भुजिया बना रहे सालू। पार्क में आज बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, मैंने निश्चल को बोला चल तू मेरे साथ पार्क चलते हैं, पार्क में थोड़ा सा तू झूला पे झूल लियो। बोला नहीं पापा मैं तो यहीं पे रहूंगा, मेरे को गैलरी में ही अच्छा लग रहा है, मैं यहीं से देख रहा हूँ बच्चे को खेलते हुए अपने दोस्तों को। चलेगा पार्क? हाँ चलूंगा। अभी तो बोल रहा था मैं नहीं जाऊंगा पार्क खेलने के लिए। मजाक कर रहा हूँ, चलो। मजाक कर रहा था? हाँ, बोल रहा दोस्तों मैं मजाक कर रहा था, चलो पार्क। निश्चल को देखो टोपी पहन लिया है, बोला पापा चलो अब पार्क। ये बहुत अच्छा टोपी है निश्चल का, ये मैं लेके आया था मार्केट से दोस्तों, पिछले साल लेके आया था, निश्चल को बहुत पसंद है तो इसलिए पहन लिया है। बोला अब चलते हैं, अब मेरे को थोड़ा ठंडा भी नहीं लगेगा और आराम से पार्क में मैं खेलूंगा। चले फिर? हाँ। पहले तो खाना खा ले, ठीक है ना, दोपहर का खाना खा ले, फिर उसके बाद चलते हैं पार्क। निश्चल खाना खा रहा है दोपहर का खाना, और निश्चल का फेवरेट खाना है आलू की भुजिया और रोटी, है ना निश्चल? और देखो निश्चल कितना अच्छा लग रहा है इस टोपी में, निचल तो बहुत अच्छा लग रहा है इस टोपी में। मेरी फेवरेट टोपी है। तेरी फेवरेट टोपी है? हाँ। निश्चल ने तो खाना खा लिया और बोला पापा आप चलो पार्क में, लेकिन इसके दादाजी का फोन आया था और दादाजी ने बोला है कि बाहर में ठंड बहुत है तो इसलिए निश्चल को पार्क मत ले जा। तो अब ये देखो थोड़ा नाराज हो गया है, बोला नहीं पापा मेरे को जाना है, दादाजी को बोल दो कि बाहर में ठंड नहीं है, चले फिर निश्चल पार्क। लेकिन दादाजी ने बोला नहीं जाने के लिए। नहीं बेटा जब कल चलेंगे, जब धूप निकलेगी ना अच्छी सी तब चलेंगे, क्योंकि अभी धूप नहीं है, अभी थोड़ा शाम का भी टाइम हो गया ना। ऐसा करता हूँ कल मैं तेरे को ना सुबह सुबह ले जाऊंगा, सुबह सुबह धूप अच्छी रहती है। क्यों अभी जाएगा? हाँ। दोस्तों मेरी बड़ी बहन का बर्थडे है आज, और उसका जो बर्थडे है ना 1 जनवरी को आता है, और वो अभी बर्थडे मनाने के लिए रेस्टोरेंट में गई है, तो मेरे को भी बोल रही थी तू आ जा यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया दोस्तों क्योंकि थोड़ा ठंड हो रहा है और ठंड का टाइम में निश्चल बाहर जाता है तो उसको सर्दी जुकाम जरूर हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं गया। बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है आज कसम से। अच्छा ये देखो हंस रही है, अब तारीफ करो तो अच्छी, ना करो तो अच्छी,
हम ऐसी होती है वाइफ जो होती है ना, वो तारीफ करते हैं तो उसमें भी नखरे दिखाती है पहले। ठीक है, मैं आज से नहीं तारीफ नहीं करूंगा, वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जब तू ऐसे हेयर स्टाइल रखती है, कसम से ऐसी हेयर स्टाइल रखा कर, देख रही है मेरी हेयर स्टाइल कितना अच्छा है। ऊपर करती तो क्या, तब मैं क्या लगती, जोकर? अच्छी लगती है लेकिन अभी तू बहुत अच्छी लग रही है। अब तू देख मेरी हेयर स्टाइल, देख कितनी प्यारी हेयर स्टाइल है, देख रही है। मैं और निश्चल आए हुए हैं दूध लेने के लिए, तो हम लोगों ने दूध ले लिया है और अब मैं घर जा रहा हूँ। निश्चल बहुत खुश है आज, है ना निश्चल? सालू अभी ब्रेड सेक रही है, शाम का टाइम में हम लोग ज्यादातर ब्रेड और चाय खाते हैं, तो अभी ये ब्रेड सेक रही है। दोस्तों सालू सैंडविच मेकर में ब्रेड नहीं सेकती है, तवे पे ही ब्रेड सेकती है। उसको मैगी बहुत पसंद है। अभी दुकान पे गया था तो मेरे से बोला था, पापा एक मैगी ले लो मेरे लिए, आप लोग ब्रेड खाना और मैं मैगी खाऊंगा। इसको मैगी बहुत पसंद है ना निश्चल? ये देखिए निश्चल को थोड़ा सा चोट लग गया है, ये अभी मैगी खा के जैसे ही बाथरूम में गया ना, बाथरूम में स्लिप कर गया और इसको चोट लग गई है। तो अभी इसकी मम्मी ने ना थोड़ा सा बाम लगाया है और थोड़ा गर्म पट्टी किया है, इसको बहुत दर्द हो रहा था, है ना निश्चल? अब कैसा है दर्द जब से मम्मी तेरे को बाम लगाई है और आयोडेक्स की है? आराम है। ठीक है, तेरे को गर्म पट्टी लगा के रखना है। तो दोस्तों इसको अभी थोड़ा सा दर्द आराम है, लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा रो रहा था निश्चल, लेकिन मम्मी ने इसको थोड़ा सा बाम लगा दिया है और गर्म पट्टी लगा दिया है, तो आराम से बैठा हुआ है। अभी दादाजी का कॉल भी आया था कि क्या हो गया निश्चल को, मम्मी का भी कॉल आया था मेरी, इसकी दादी का, सब बोल ले कैसे गिर गया निश्चल बाथरूम में। निश्चल अभी बहुत रो रहा था तो इसकी मम्मी ने बोला इसको कि चल मैं तेरे को ड्राइंग बना के देती हूँ, तो इसको ड्राइंग बना के दे रही है निश्चल को। और निश्चल को दोस्तों कलर करना बहुत ही पसंद है। निश्चल अब तो दर्द नहीं हो रहा तेरे पैरों में, लेकिन तेरे को गर्म पट्टी लगा के रखना है, तो निश्चल ड्राइंग करेगा। निश्चल को ड्राइंग बहुत ही पसंद है। अच्छा मम्मी क्या बना रही है, हैप्पी न्यू ईयर की ड्राइंग? बहुत सारी ड्राइंग है। अच्छा क्या बात है। चल तो उस घर में ड्राइंग कर रहा है और अभी उसकी मम्मी ने उसको ड्राइंग दे दिया था, तो ड्राइंग कर रहा है। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और दोस्तों आप लोगों की दुआ से अब स्वीट फैमिली शो की जो फैमिली 140K की होने वाली है, तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। दोस्तों मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, किसी किसी का जवाब दे पाता हूँ। तो दोस्तों जो मैं कुछ सब्सक्राइबरों का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि अब तो जो फैमिली होने वाली है स्वीट फैमिली शो की वो 140K की होने वाली है, तो सबका नाम तो मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ है जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। जैसे सासवंत मन्नापुरम है, शिव कुमार श्रीवास्तव है, टीटू जोशी है, विकास कुमार है, रोनाल्ड जैक्सन है, तो बहुत सारे हैं ऐसे फैमिली मेंबर जो कमेंट करते हैं, सब कमेंट करते हैं लेकिन मैं देखता हूँ सबके कमेंटों को। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ठीक है दोस्तों? तो आप लोगों को फिर से हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स।